नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे चेहरे की तलाश में इंडिया अभी भी। जी हां, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में भी चेहरा नहीं मिला। हालांकि बैठक के पहले पटना से दिल्ली तक सियासी पारा जरूर चढ़ गया था। भाजपा ने एक फिल्मी क्लिप लगाकर कटाक्ष कर दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, चेहरा घोषित करने की मांग तो उठी ही। नीतीश कुमार की दावेदारी के जो समर्थन में पोस्टर्स लगे थे, उस पर भी बात हो गई। इस मीटिंग के लिए विपक्ष के कुल 27 पार्टियों का न्योता विपक्ष ने दिया था, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे, साझा जनसभाएं, रणनीति बनाने समेत कई मुद्दे शामिल थे जिन पर चर्चा होनी थी। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर प्रस्ताव रखा गया, जो चेहरा है पीएम उम्मीदवार के तौर पर, इस पर यह प्रस्ताव रखा गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रख दिया। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन कर दिया, बोले ठीक है। यह जानकारी बैठक के बाद एमडीएम के सांसद वाइको ने दी है। हालांकि पीएम फेस के सवाल पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का संयोजक यानी पीएम चेहरा बनाए जाने के प्रस्ताव पर खड़गे ने खुद कहा, पहले जीत कर आना है, उसके बाद पीएम के लिए बात होगी। उन्होंने कहा कि सांसद नहीं बनेंगे तो पीएम कैसे बनेंगे भला, पहले जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया है। तो सवाल ये, लेकिन समय जो उनके पास कम है, उसी के साथ तमाम उन मुद्दों को लेकर स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन क्या उतना समय है इन तमाम दलों के पास, और उसी के साथ जिस लड़ाई को ये लड़ना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त रणनीति बना पाए हैं? अभी भी समय उनके पास है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, गिनती के 90 दिन समझ लीजिए, और लोकसभा के लिए लड़ाई लड़नी है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और सीधा मेहमान की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ जो कांग्रेस से शान खान जी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ जाते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। शान खान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सपा से हमारे साथ नितेंद्र जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नितेंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। देशबंधु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देशबंधु साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप जुड़े हुए हैं, और अंकुर सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, सबसे पहले शान खान आपसे ही शुरुआत। बात नहीं बने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर, खुद ही आकर उनको बोलना पड़ गया कि चेहरा नहीं, अभी लड़ाई पर ध्यान देना होगा। ये कहा कि अखिलेश जी ने फिर शायद सपोर्ट नहीं किया, क्या कहेंगे सर? शान खान शानखन, आपकी आवाज नहीं आ रही, देखिए डिवाइस म्यूट तो नहीं आपका? जी जी आई, मेरी आवाज आ गई? कहिए कहिए कहिए। देखिए पारुल जी, चेहरे का चुनाव और सीटों का बंटवारा ये आसान काम नहीं है। इसके लिए एक दिन और एक घंटे में ये काम नहीं हो सकता है। इसके लिए गहरी चर्चा विमर्श करना होता है, और निश्चित रूप से हम विचार विमर्श करके सीट का बंटवारा भी करेंगे, हम चेहरा भी चुनेंगे, हम प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, और भाजपा की कुशासन और तानाशाही वाली सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे भी। जिस प्रकार से देश में महंगाई, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना, देश में जिस प्रकार से सरकार की चौतरफा विफलताएं, चाहे अर्थव्यवस्था की खस्ता हाल हो, चाहे गरीबी बढ़ना, चाहे भुखमरी बढ़ना, है तमाम विफलताएं मोदी सरकार की है, जिस पर मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए इंडिया गठबंधन के 28 दल जो है वो कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं, और हम अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिस प्रकार से भाजपा को चुनावी मैदान में मात देनी है, उसके लिए हमने योजनाएं बना ली हैं। अब रही बात जो भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो जारी किया है, तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल इस देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे फूहड़ और सबसे बदतमीज पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इस प्रकार के गंदे काम, ऐसे घटिया काम आए दिन करता रहता है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हजारों वीडियो जारी कर लें, वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं जनता के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, और अपने ही चरित्र और अपने ही संस्कारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सीट शेयरिंग को लेकर राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग होगी, लेकिन अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बचा। मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि 90 दिन से भी कम का समय है आपके पास लोकसभा में सत्ता पक्ष के लिए रणनीति बनाने के लिए। विपक्षी दल एक हुए, जिनमें से ये कहा गया कि अभी भी आपका नेता डिसाइड नहीं है, फेस डिसाइड नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला बनना था, ताकि आप उन जगहों पर काम करने लगे, वो दल एकजुट होकर काम करने लगे, वो चीज़ इस बैठक में भी नहीं हो पाई। तो ये यानी क्लीन खाली गई है ये बैठक, ये माना जाए, कुछ हो नहीं पाया? नहीं नहीं पारुल जी, हमने भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी रणनीति बना ली है। 22 तारीख को संपूर्ण इंडिया गठबंधन के तमाम दल
सड़कों पे उतर के भाजपा की तानाशाही इनकी हिटलरशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सीट बंटवारे को लेकर हमारे दल ने यानी कांग्रेस पार्टी ने 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया, जिसमें गहलोत साहब, मुकुल वासनिक साहब समेत 5 लोग हैं जो राज्यों में हमारे गठबंधन और सीट बंटवारे के स्वरूप को तय करेंगे। निश्चित रूप से अभी एनडीए में भी कोई सीट बंटवारा तय नहीं हुआ है, तो हम एनडीए से एक कदम आगे हैं और चुनाव में भी एक कदम आगे रहेंगे और सरकार हम ही बनाएंगे, प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से ही बनेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से बनेगा, ये आपका दावा है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। आप खुद भी कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा करना इतना आसान नहीं होगा और पीएम का चेहरा उससे भी ज्यादा कठिन काम है। ठीक है, मैं बीजेपी के पास जा रही हूँ। देशबंधु जी, ये कहा जा रहा है कि आप भी उतने ही लेट हैं जितने लेट वो चल रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि हम तो फिर भी मीटिंग्स कर रहे हैं, आपके यहाँ मीटिंग्स उतनी तेजी से हो भी नहीं रही हैं, क्या कहेंगे? पारुल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आ रही है, कहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में, और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट को। देखिए, जैसा आपने ये महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया पारुल जी, मैं कह दूं अभी 3-5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जैसी प्रत्याशी जीत मिली है, उससे इंडी गठबंधन का पूरा कुनबा हताश और निराश है, और यशस्वी प्रधानमंत्री की नीति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों द्वारा जनता का आशीर्वाद हमें बराबर मिलता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, इस बात को कह दूं। आज जनता जनार्दन भी जाती है, नीति नियत और चाल चरित्र अगर स्पष्ट है तो ये मोदी की गारंटी है, मोदी की ही गारंटी है कि आज असंभव से असंभव कार्य हुए, रोजी रोजगार हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवाज गरीबों को आवाज देने की बात हो, चाहे मैंने कहा सर कि आपके जो घटक दल हैं उनके साथ आपका भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बैठ पाया है, उस पर आपके यहाँ भी कोई चर्चा नहीं हो रही, इस पर आइए ना। पारुल जी, जो आपने कहा, हमारे यहाँ सारी चीजें खुली है, हमारे घटक दल ठीक भारतीय जनता पार्टी का एसोसिएशन है। आप बताएं ये कहाँ लड़ रहे हैं, इनका तो कोई है ही नहीं। आपस में जो तनखी इनकी रही 3 राज्यों के चुनाव में आपने देखा, आज भी लोग अपनी सीट के लिए, हम 547 सीट पे आए और हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कह दूं, हमने अपना 64 का रिकॉर्ड बनाया था, 2014 में 74 सीटें जीती थी, और आने वाले 2024 के चुनाव में हम बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। और 80 की 80 सीटें जिसकी परिणति हुई कि ये कुशासन जो आप ये बात कर रहे हैं और कांग्रेस के महानुभाव बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की नियत नित चार चरित्र हमारे कुनबे की बात न करिए, अपना बता देंगे इनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। हमारे यहाँ पे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर बनेंगे, इस बात की तो गारंटी हम देते हैं। और 140 करोड़ की जनमानस बार बार देती है, देखिए ये हताशा कुंठा है, इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई मॉनिटरिंग है, ना कोई वो है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तो हमेशा चुनावी मोड में रहता है। रही बात आपको एक एक बूथ पे हमारी तैयारी है, और रही बात सीट शेयरिंग की, जो आपने पारुली बात की, हमारे यहाँ बहुत इजी गोइंग, आप देखिएगा हम अपने गठबंधन का बड़ा सम्मान करते हैं है। और भारतीय जनता पार्टी ने देखिए साबित भी किया, हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ हमेशा जुड़े रहती। हमें अंत्योदय, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना है कि अंतिम पंक्ति पे बैठा आदमी तरक्की करेगा, उसका विकास हो, और राज्यवार सीटों का जो शेयरिंग फॉर्मूला है वो बनेगा, ये राज्यवार डाल के या राज्य स्तर पर डाल के, ये तो कम से कम बता दिया कि जिसका ज्यादा वर्चस्व जिस राज्य में है वहां पर उनकी चलेगी। जितेंद्र जी, सवाल आपके पास लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप बाकी जगहों पर ट्राई कर रहे हैं लेकिन उतना स्कोप आपको नहीं मिल रहा जितना आप वंडर जो है उत्तर प्रदेश में कर पाते। अब बात कांग्रेस की हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के का जब नाम लिया गया तो अखिलेश जी ने चुप्पी साधी, ये ब्रेकिंग न्यूज बनकर आने लगी कि अखिलेश जी चुप हैं, अखिलेश जी ने चुप्पी साधी है, कोई समर्थन नहीं मिल रहा। उसके बाद थोड़ी देर बाद खड़गे साहब भी बोल दिए रहने दीजिए, हम नाम पर बात नहीं करेंगे, हम सीट कैसे जीते इस पर बात करेंगे। तो अखिलेश जी, और उसके पहले तो आपको याद ही है, मैं अपने दर्शकों को याद ना कराऊं, अगर आपको याद ना हो तो फिर याद दिला दूंगी, खैर कि क्या क्या हुआ है मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, और प्रदेश अध्यक्षों के बयान सबको याद है। तो क्या अभी भी जो मेल मुलाकात है वो बैठ नहीं पा रही है, जो आपका खुद का आप लोगों का सामंजस्य होना चाहिए वो बैठ नहीं पा रहा है, अखिलेश जी को नहीं पसंद खड़गे जी? पारुल जी, ये बात सिर्फ मीडिया में एक हवा बनाई जा रही है कि लोगों के बीच में किसी तरीके का मनमुटाव दिखाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहां पर मीटिंग के अंदर अभी चेहरे की, पीएम चेहरे की बात ही नहीं हुई है। वहां तो ये तय हो गया कि पहले तो दोबारा हम लोग फिर से बैठे, एक स्वस्थ वातावरण बना कि हम इंडिया अलायंस में
कि एक मजबूत पार्टनर है, हम सब लोग मिलकर के इंडिया अलायंस के साथ में चुनाव लड़ेंगे। पहली चीज जो दो तीन महीने के मध्य प्रदेश और विधानसभा के चुनाव के दौरान मीडिया में और लोगों के एक दूसरे के डायलॉग जो डिलीवरी हुई उसको लेकर के जो माहौल बिगाड़ा गया था, चुनाव में होता है, हम लोग अलग अलग पार्टी है, अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे तो बातें होती है। अब क्योंकि ये देश का चुनाव है और पूरे देश के सामने जिस तरीके का संकट है और जो ये क्लिप आपके यहाँ चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना चेहरा तो 2012-14 के बीच में बनाया गया था कि किस तरीके का माहौल बनाया जाए, वो जो उनके पास जिससे वो प्रेरित होकर के सत्ता में लोगों को बेवकूफ बना करके आए थे, वो आज वो अपना असली चेहरा उजागर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे नेता माननीय रामगोपाल यादव जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और आज तक कभी उनकी वाणी से किसी को कष्ट हो जाए ऐसा कभी कोई प्रदर्शन नहीं आया है। और कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, देश की पार्टी है, निश्चित रूप से ये उन्हीं को तय करना है हमें राज्य में क्या सीटें हम लड़ेंगे, क्या सीटें वो लड़ेंगे। इसके लिए आज वो कमेटी बन गई 5 मेंबर्स की, अब कमेटी ही तय करेगी बैठ करके सीट शेयरिंग में, क्योंकि देश की 80 सीटों का मामला है हमारे प्रदेश और हर सीट पर कहां कौन जीता था पिछली बार किसके क्या राज्य स्तर पर ठीक है खड़गे जी को लेकर, लेकिन फिर भी किसी तरह का अभी तक अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आया है। बैठक में खड़गे जी की बात नहीं होती तो नीतीश जी के पोस्टर पर भी बात नहीं होती, फिर ममता बनर्जी ने उनके नाम को आगे रखा है, प्रस्ताव किया है, ये भी बात नहीं होती, और फिर उसके बाद दीपांकर जी आके कहते हैं कि एजेंडा ही नहीं था। तो ये तो खैर अभी शान खान ने भी बताया कि इन सबसे परे। हाँ, अभी मुझे ये बताइए कि अभी राज्य स्तर पर सीटों का फॉर्मूला, ये राज्य स्तर पर सीटों का फॉर्मूला है क्या, इसको लेकर नहीं बताया गया, बस राज्य स्तर पर सीटें शेयर होंगी ये बताया गया है, यानी राज्य में जो पार्टी ज्यादा एक्टिव है, जिसका ज्यादा जनाधार है, उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये तय माने नितेंद्र जी। देखिये ये हमारी पार्टी का सीधा एक स्लोगन है, हम लोग एक यूनिवर्सल स्लोगन लेकर के आए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादियों के शुरू से यही फार्मूला इंडिया गठबंधन में सीटें मिलने वाली हैं जिस कांग्रेस को यूपी में, जिसकी जितनी हिस्सेदारी। ये संख्या आप डिसाइड नहीं कर सकती। नहीं, मैं हिस्सेदारी के बाद आपका मतलब समझना चाह रही हूं ना, हिस्सेदारी से मतलब क्या है, ये जितनी हिस्सेदारी। ये एक फार्मूला है, ये बिहार में भी चलेगा, ये बंगाल में भी चलेगा, ये तमिलनाडु में भी चलेगा, ये सब जगह चलेगा जहाँ जो मजबूत है, और यही होना चाहिए। राजनीति का तकाजा ये कहता है कि जहाँ जो योद्धा मजबूत है हम उसी को सेनापति बनाएंगे और उसके पीछे सब लोग लड़ेंगे। मजबूत वाला तंगा आपके साथ चला गया, बाकियों के साथ हिस्सेदारी वाला भाई को नेता मानेंगे, समझ समझ उसके नेतृत्व में लड़ेंगे, निश्चित रूप से जब जाएंगे तो इनको नेता मान के वहाँ चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टियां हैं, कांग्रेस जहाँ मजबूत है वहाँ कांग्रेस के सक्सेना जी जुड़े हुए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल से। अंकुर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे, जरा रिप्लाई कीजिए, लौट रही हूँ सर। अंकुर जी आपको आवाज मिल रही है? अंकुर जी जिसकी जितनी हिस्सेदारी तो आपकी भी सर डामाडोल है कंडीशन, क्या कहेंगे, कितनी हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं सपा के साथ, बताइए जरा। सपा के साथ नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर और पूरे भारतवर्ष की 543 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल जो है इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहा है। जहां पर जो भी मजबूत स्थिति में होगा राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी वहां पर लड़ेगा और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं उनके प्रत्याशियों को हम लोग बकायदा चुनाव लड़वाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कुरीति से आम जनमानस को मुक्त कराएंगे। सामना में छपा कि सारथी कौन, यानी चेहरा कौन, फिर चेहरे की भी बात आ गई और फिर नीतीश जी के पोस्टर भी चल पड़े, तो यानी ये आप, क्योंकि अंकुर जी आपकी पार्टी का तो पीएम उम्मीदवार से तो कोई लेना देना है नहीं, तो जाहिर सी बात है अब ये कौन होगा, किस दल से होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप सहमत है अगर खड़गे जी का नाम आगे चल रहा था तो? देखिए आपको एक बात बता दूं, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आम जनमानस को भी ये बात समझनी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है वो एक वरिष्ठ नेता है और
प्रधानमंत्री पद का कौन दावेदार होगा कौन दावेदार नहीं होगा इस विषय पर आपकी डिबेट में टिप्पणी करना मुझे लगता है अभी यथोचित नहीं है। वजह यह है कि केंद्रीय नेतृत्व है प्रत्येक राजनीतिक दल का, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी पदाधिकारी डिबेट में सम्मिलित है। नहीं तो एक बड़ा दिल दिखा के बताइए ना कि आपत्ति होनी चाहिए लोगों को इस नाम से, नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबसे वरिष्ठ नेता है आपके इंडिया गठबंधन। पारुल जी मेरे को बात तो कम्प्लीट कर लेने दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ कि वो वरिष्ठ नेता है, अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने उस विषय पर कोई आपत्ति नहीं की है और अगर वो खामोश रह गए हैं तो कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी व्यक्ति उसका भावार्थ या नितार्थ निगेटिविटी में कैसे निकाल सकता है कि उन्हें नकारात्मक में रहे। ठीक है, वो अपने अगर खामोश रहे हैं किसी सब्जेक्ट पे तो ये उनका अपना ओन राइट है, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। मतलब ना नहीं है, आऊंगी वापस। हाँ बिल्कुल नहीं है, खामोशी का मतलब ना नहीं है, यानी हाँ भी हो सकता है, सहमति भी हो सकती है। अगर खड़गे जी का नाम आगे बढ़ा देते हैं आप शान खान, तो अखिलेश जी सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये खामोशी का मतलब ना भी नहीं है, समझ रहे हैं आप। और हिस्सेदारी की बात हो रही है तो अभी नितेंद्र जी ने भी बता दिया कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उसको तो जाहिर सी बात है उसके लिए वंडरफुल कंडीशन हो जाएगी, नंबर्स ज्यादा उसके लड़ेंगे, यानी आपके लिए मुसीबत हो जाएगी उत्तर प्रदेश में खासकर, जहां आप एक समय पर नंबर वन की पार्टी हुआ करते थे। शान खान देखिए पारुल जी, राज्य में नहीं, जिस सीट पे जिस दल का प्रत्याशी उपयुक्त होगा, जिताऊ होगा, भाजपा की ईंट से ईंट बजाएगा उसको उस जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी तो तभी बनेगी ना सर जब जनाधार होगा। वही वही तो कह रहा हूं ना, जिस सीट पर जिस दल के पास उपयुक्त प्रत्याशी होगा, भाजपा को हराने वाला प्रत्याशी होगा, वो सीट उस दल के खाते में जाएगी। अब रही बात, आप कह रही कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरे पे चर्चा हो रही है, सीट बंटवारे पे चर्चा हो रही है, जहां लोकतंत्र होता है वहीं तो चर्चा होती है, वरना एक दल भारत में ऐसा भी है कि रंगा बिल्ला चिट्ठी भेज देते हैं और घोषणा हो जाती है कि कौन क्या बनेगा। अरे तो लोकतंत्र में स्पष्ट भी तो बताना चाहिए, ये आगे जाके गाड़ी फंसा दी ना खड़गे साहब ने, चर्चा तो आगे आगे जाके गाड़ी फंसा दी ना उन्होंने, उन्होंने कहा, उन्होंने पहले नाम का ऐलान हो गया, फिर उसके बाद कहते हैं कि हमको जीतने पर अभी फोकस करना चाहिए, जीतेंगे तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। खैर खड़गे साहब का नाम भी आ गया, पता चला अखिलेश जी चुप है और अरविंद केजरीवाल का समर्थन मिल गया, ममता बनर्जी ने नाम आगे बढ़ा दिया, तो ये स्टेट से आपके दल की कंडीशन बड़ी अलग है। खैर लौट रहे हैं, अरे मुझे क्या दिक्कत होगी सर, ना मैं आपकी तरफ से ना बीजेपी की तरफ से, मैं तो जो सवाल उठ रहे हैं तो कह दीजिए ना खड़गे जी बनेंगे, तो कह दीजिए ना खड़गे जी से आपको आपत्ति नहीं है, अखिलेश जी को बोल देने दीजिए ना, आप क्यों इतना आपके पेट में दर्द हो रहा है, अखिलेश जी बोल दें, कोई आपत्ति नहीं है आपको, जिसको बना दीजिए आप, क्यों नहीं बड़ा दिल दिखा रहे। देशबंधु जी आ जाइए सर, देशबंधु जी का ऑडियो दीजिए, बाकी सबको म्यूट क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, हम 30-30 सेकंड्स के साथ सबके कमेंट्स लेंगे। देशबंधु जी, ये जो अभी जो आपके स्टेट्स में हुआ, आपसे भी सीख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपने जो किया, आपने पहले अनाउंसमेंट नहीं किया, अब इंडिया गठबंधन कह रहा है हम भी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, जीत जाने दीजिए, सीटें जीत जाएंगे, उसके बाद जिस दल की जितनी सीटें उसके बाद पता चलेगा कि कौन पीएम फेस होगा। लेकिन ये भी खबरें कि इनकी एकता देखकर, इनकी यूनिटी देखकर भले ही कहीं कहीं दिल में थोड़ा सा कलेश हो या फिर किसी तरह की कोई आपत्ति हो, लेकिन वो मंच पर एकता दिख रही है, उससे आप लोगों को भी घबराहट हो रही है, ये भी खबरें हैं देशबंधु जी, तो घबराहट में आप कहीं उल्टा सीधा निर्णय ना ले बैठे, इसलिए पूछ लिया हमने। पारुल जी, किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होती है, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, ये लोग यही जब टीवी चैनल पे नहीं बांट पा रहे हैं, अब बताइए पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक दूसरे का विरोधी है, वो ममता बनर्जी दीदी से क्या सीट मांगेगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लें, अखिलेश जी ने पहले कह दिया 65 पे हम लड़ेंगे, 15 में ही लड़ेंगे, रालोद का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। आपको बता दें अभी जो मध्य प्रदेश में बंटवारा हुआ, देखिए इनके पास न कोई चेहरा नहीं है, हताशा निराशा कुंटा में, और इंडी गठबंधन कोई निराधार है। आपको बता दें अभी एक जो कोरे कागज पे लिखी हुई एक केवल अलायंस बन के रह गया है, उस अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है। सुनिए 100 दिन के अंदर अभी इनकी बैठकें नहीं हुई है, आप सुनिए बैठकें कोई करना नहीं चाहता है। नितेंद्र जी वापस आ रहे हैं, अभी आपकी ऑडियो लाइन पर नहीं है, रुक जाइए, मैं आ रही, वापस आ रही, आपकी ऑडियो लाइन पर नहीं जा रही है, अभी रुक जाइए। नहीं आपको आई पारुल जी, आपको मेरी आवाज आई?
हाँ देशबंधु जी जल्दी से, मेरा कहने का मतलब है इनका कहीं कोई कोई आधार नहीं है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप कह रहे हैं 80 सीटों की बात है, आपने देखा दो युवाओं की जोड़ी हमेशा चली, उससे पहले बुआ बबुआ की सरकार रही, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ने इनको बता दिया। देखिए आप जनता कहते हैं हमारे गठबंधन ने तो आपको घोसी में आईना दिखा दिया, उस पर क्या जवाब देंगे? दावा कर रहे थे कि हमारी उन्हीं का इंडिया अलायंस जिसने घोसी पर लड़ा और आपको आईना दिखा दिया, ये भी तो फिर है ना, आप कह रहे हैं अस्तित्व नहीं है, आप कह रहे हैं उसमें दम नहीं है, लेकिन घोसी आप हार जाते हैं उन्हीं से फिर? नहीं नहीं घोसी की बात आप देखिए, घोसी की बात हम ये कह देते हैं कि कहीं पे ये बरगला रहे जातिवाद क्षेत्रवाद संप्रदाय के नाम पे ये बना रहे अस्तित्व, तेलंगाना में भी आप देखिए। ठीक है 30 सेकंड में नितेंद्र जी, ठीक है अंकुर जी उसके बाद आऊंगी मैं, क्योंकि वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक दल का तो अस्तित्व ही नहीं है, तो ये सवाल आपसे होगा। ठीक है रुक जाइए देशबंधु जी, पर्याप्त सवाल, एक एक ही चीज को बार बार बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है कहिए नितेंद्र जी शॉर्ट में सर। हमने ये बार बार परेशान हो रहे, मैं ये पूछना चाहता हूँ ये पहले घोषित कर दें कि उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल और हमारे सुभाषपा को राजभर को कितनी सीटें देने जा रही है, ये बता पाएंगे क्या? आखिरी मौके में सब तय होता है, ये पार्टी के अंदर की रणनीति होती है। अब यहाँ हम डिबेट में आज गठबंधन की मीटिंग हुई है, हम लोग 3 सीटें आपको डिक्लेयर करने लगेंगे कि कौन सीटें होंगी, और ये चेहरे डिसाइड किए जाते हैं, संसदीय परंपरा होती है। ठीक है सर अंकुर जी, एक नेता है, ठीक है अंकुर जी, वो अपने नेतृत्व में लड़के चुनाव आएंगे, प्रधानमंत्री सम्मानजनक अंक मिलेंगे तो लड़ेंगे, या फिर आप दिल खोलकर हम इंडिया अलायंस के साथ है। ठीक है अंकुर जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड रुक जाइए नितेंद्र जी प्लीज, है ना 30 सेकंड। देखिए पारुल जी 141 सांसदों को लोकतंत्र में सस्पेंड करने वाली भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अटहास लगा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो चुका है और ये लोग अटहास की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी इनने राष्ट्रीय लोकदल के अस्तित्व पे सवाल और प्रश्न चिन्ह लगाया, तो इनको ये बात पता होना चाहिए कि खतौली के जो विधानसभा उपचुनाव था वो इनके जाल पर आप लोगों ने कितना जोरदार तमाचा मारा है, इनको उसी राष्ट्रीय लोकदल ने इनके गले से हार छीन कर एक तरीके से इनके गले का जो हार था खतौली सीट उसको इनके सत्ता में रहते हुए हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियों को भी आप जनता पार्टी इग्नोर नहीं कर सकते, दिखाई है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अस्तित्व है जिनसे हम लोग घुसने नहीं देंगे 2024 के चुनाव। अंकुर जी ठीक है शान खान 30 सेकंड्स। देखिए पारुल जी हम कितनी सीट लड़ेंगे, हमारे घटक दल कितनी सीट लड़ेंगे बाद में तय हो जाएगा, किंतु मैं ये आश्वस्त कर दूं आपको भारत की हर एक सीट पे हर एक बूथ पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता भाजपा के आतंक गुंडे ही और इनके अहंकार के खिलाफ लड़ेगा और प्रतिकार करेगा और संघर्ष जारी रहेगा। अब नेक्स्ट मीटिंग में तय होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा शान खान, यानी अभी भी नंबर्स पर काम नहीं हो रहा है, किसी को पता तो हो दलों को किस जगह पर हम कैसे कौन लड़ने वाला है, अभी भी आपके पास मतलब नंबर्स नहीं है कि किसके पास कौन जा रहा है। पारुल जी ये इस मीटिंग के बाद तैयारी निकली है आपकी। पारुल जी हम एनडीए गठबंधन से एक कदम आगे चल रहे हैं और निश्चित रूप से हम चुनाव में भी आगे रहेंगे, चुनाव परिणामों में भी आगे रहेंगे, आपको सारी जानकारी समय समय पे दे दी जाएगी। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, यू तो चेहरे की तलाश में है इंडिया अलायंस, लेकिन उत्तर प्रदेश से जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात होती है और फिर जब चेहरा सामने आ जाता है तो अखिलेश जी साध लेते हैं चुप्पी, और उस चुप्पी के पीछे कई सारे मायने निकाले जाते हैं, क्योंकि हाल ही में जो राज्यों के चुनाव के बाद परिस्थितियां बनी कांग्रेस और सपा के बीच, अखिलेश यादव कमलनाथ जी का कौन अखिलेश वखिलेश, उसके बाद कई सारी तरह की टिप्पणियां, उसके बाद कहा जा रहा था कि कांग्रेस और सपा में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और जी के नाम का जब अनाउंसमेंट हुआ या प्रस्ताव रखा गया तो पता चला अखिलेश जी चुप हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि सीटों के फॉर्मूले को लेकर अभी बात बनी नहीं है, क्लियर नहीं हुआ है, ये कहा गया राज्य स्तर पर तय होगा, राज्य स्तर यानी जो पार्टी जहां मजबूत उसके नंबर ज्यादा उसकी सीटें ज्यादा वो ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, तो बाकी दल क्या करेंगे। और यूपी के अगर परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए तो मजबूत पार्टी सपा है, कांग्रेस बहुत कम चीजों पर अपना इन्वॉल्वमेंट रख रही है, ऐसे में अगर जनाधार या फिर सीटें या फिर जिस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जैसा परफॉर्मेंस किया उसके आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, तो इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, अखिलेश जी के सामने क्या उनकी पार्टी के सामने क्या एक या दो ही सीटों पर लड़कर रह जाएगी? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।